क्या नाम है आपका? बबलू प्रधान। प्रधान जी, किस मामले को लेकर आप धरने पर बैठे? ये जी जो ये कांग्रेस सरकार बिल लाई थी, तो उस टाइम विपक्ष में बीजेपी सरकार थी और अच्छा बढ़ाने की वकालत कर रही थी, किसान हित में अच्छा बढ़ाया जा। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसमें से कुछ नियम जो किसान हित में वो खींचने चाहे, उसके बाद में हमारे कुछ साथी फौजी भाई ने जो अन्ना हजारे जी बुलाए तो नियम वापस आए, लेकिन अब उसे लागू नहीं कर रहे और खुली लूट मचा रखी है हमारे ज़िले में। उसी पुराने जो कानून के तहत जो उसे ली जा रही है और कई तरह से गुमराह करा जा रहा है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हैं तो चार गुना होना चाहिए कायदे में, लेकिन वही दो गुणों में भी शहरी रेट नहीं है, वो ग्राम पंचायत के जो सर्कल रेट है उस पर खरीदा जा रहा है। तो सच में हमारे साथ में बहुत अन्याय धंधा चल रहा है और आमदन अनशन ये आखिरी साज तक रहेगा जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती। कब से चल रहा है धंधा आपका? इसको बताइए भाई। 13 दिसंबर 5 जुलाई 2021 ये पूरे क्षेत्र में हो रहा है जी, जबकि और प्रदेशों में जो चार गुणा मिल रहा है। मेरा नाम इंदर प्रधान है। प्रधान जी, किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे और कब से बैठे हैं? नहीं, यहाँ मांग हमारी पिछले लगभग ये धरना पिछले 1.5 साल से हमारा चल रहा था अथॉरिटी पर, लेकिन यहाँ पर जो हम बैठे हैं, यहाँ पर लगभग हम बैठे हैं 115 दिन के आसपास। बूढ़ा क्यों चल रहा है ये जो धरना चल रहा है, ये DMIC और DFCC के विरुद्ध में चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये अवार्ड घोषित कर रहे हैं, ये अवार्ड को मानकताओं के आधार पर ठीक नहीं कर रहे हैं। अवार्ड जो रेट, अगर सर्कल रेट की बात करी जाए, बाज़ार दर के हिसाब से भी करा जाए, तो हमारा कम से कम जो रेट बनेगा वो 8 से 10 हज़ार रुपये बनेगा। और DFCC में ये पहले भी हमारे इन दोनों गांवों को लगभग 6 हज़ार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दे चुके हैं। तो एक तो ये हमारे साथ अवार्ड में धोखा कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा जो हमारी आबादियाँ हैं, जो हमने अपने बच्चों के आजीविकाओं के लिए छोड़ी हुई हैं, ये हमारी आबादियों के अधिग्रहण कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बोर्ड मीटिंग हुई नोएडा में, जब पंकज सिंह नोएडा में भूमि अधिग्रहण बिल के साथ उनकी आबादी नियमावली बना सकते हैं, एक व्यस्क को 250 मीटर से 1000 मीटर पर कुटुंब दे सकते हैं, तो ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्यों नहीं दे सकता? जब आबादी नियमावली वहाँ बन सकती है, यहाँ भी बननी चाहिए। तो हमारी मांग है जो मैन ये है, अवार्ड हमारा ठीक होना चाहिए, RNR की सुविधा हमारे पूरे गांव को, जो भी 5 गांव में सबको मिलनी चाहिए, और आबादियों का या तो हमारी छोड़ी जाए या नियमावली जो बनी वहाँ बनी है वो यहाँ बने, हमारी आबादियों शिफ्ट किया जाए।